अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है, दैट्स इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पार्ट टू। ठीक है, तो आज हम की सेकंड देखेंगे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट होगा एट एफ, सो पुश अप ऑब्जेक्ट। बेटा अगर ऑब्जेक्ट है एट एफ, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, वो इमेज होगी हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड जो री डायग्राम है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे री डायग्राम। तो पुश अप ऑब्जेक्ट क्या है? एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, अगर ऑब्जेक्ट बेटा एफ पे है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये है ए बी ऑब्जेक्ट बेटा, ये कहाँ पे है? एट एफ फोकस पे है। ठीक है ना, तो इमेज जो है वो होगी हाईली इनलार्ज्ड, बनेगी एट इन्फिनिटी। तो ये है यहाँ पे पैरेलल रे, तो जो इंस्टेंट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास हो जाती है? थ्रू द फोकस। ठीक है ना, वो पास हो जाती है थ्रू द फोकस। ठीक है ना, तो यहाँ से भी एक इंस्टेंट लाइट यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो वो पास हो जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। ठीक है ना, तो ये है इंस्टेंट लाइट, ये इसे रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बेटा ये है एक इंस्टेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी थ्रू द फोकस। ये है दूसरी इंस्टेंट लाइट, इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट दिस पॉइंट, तो ये वापस आएगी इसी रास्ते से, एंड इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो इमेज बनेगी यहाँ पे, दैट इज एट इन्फिनिटी। दो पैरेलल रेज हैं, ये मीट नहीं हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इमेज यहाँ पे बनेगी, दैट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो ये इमेज होगी हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट फोकस, तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। ये इमेज होगी हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, अगर अब बेटा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज अगर ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे इमेज बनेगी, तो वो इमेज होगी इनलार्ज्ड, इमेज होगी इनलार्ज्ड। ठीक है ना, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है ना, तो हम रे डायग्राम देखेंगे बेटा। तो ये है मिरर, ये है मिरर, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बेटा मिरर यहाँ पे, ये है मिरर, ये है मिरर, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है पोल। ठीक है ना, तो ये है एफ, ये है सी। अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, तो ये है पैरेलल रे, पास हो जाएगी थ्रू द फोकस। ठीक है ना, थ्रू द फोकस, इंस्टेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी थ्रू द फोकस। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट, तो दूसरी जो पैरेलल रे है, दूसरी जो इंस्टेंट रे है, वो इंस्टेंट हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो वो पास हो जाएगी, इंस्टेंट हो जाएगी इस पॉइंट पे, पास हो जाएगी थ्रू द फोकस। ठीक है ना, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये दूसरी इंस्टेंट रे, ये इंस्टेंट हो जाएगी इस पॉइंट पे, ये वापस इसी रास्ते जाएगी थ्रू द एंड इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो ये दो रिफ्लेक्टर रेज, ये दो रिफ्लेक्टर रेज यहाँ पे मीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो होगी, ये होगी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ए डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आप देख सकते हो ये डायग्राम से, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज छोटा है, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बन गई बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ये इनलार्ज्ड इमेज है बेटा, इनलार्ज्ड इमेज है, रियल एंड इनवर्टेड है, रियल है इनवर्टेड है। ठीक है ना, रियल है फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, तो इनवर्टेड है। ठीक है ना, उल्टी है। तो ये है अगर ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है ना, तो आपने अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट है एफ पे, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। तो ये चीज आपने देखी, सो दिस इज द री डायग्राम रिगार्डिंग केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड। सो केस सेकंड,
एंड दिस इज केस थर्ड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक.